हेलो एवरीवन, मैं सौम्या सिंह। आज किचन में बनने वाला है कुछ स्पेशल। आप सोच रहे होंगे कि कद्दू से क्या बनाने वाली है ये, तो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो ये है पूरा कद्दू। मैं बताना चाहूँगी कि इसे मैं नहीं काट सकती। सबसे पहले हमारे यहाँ जेंट्स काटते हैं, मतलब एक कट लगा देते हैं चाकू से, उसके बाद जो घर की लेडी या गर्ल होती है कद्दू को काट सकती है। तो ये पहले से कटा हुआ कद्दू है, भाई काट कर रखा था। तो इससे बनाने वाले हैं कोफ्ते, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो सबसे पहले कद्दू को क्लीन कर लेते हैं। तो बीच में जो बीजा होता है उसे निकाल दिया है, छिलके को निकाल देते हैं और इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो आपके यहाँ कद्दू को क्या कहा जाता है? कद्दू की कोड़ा, वैसे तो इंग्लिश में इसे पम्पकिन कहते हैं, पर हमारे यहाँ इसे कद्दू भी कहते हैं और कुछ लोग कोड़ा भी कहते हैं। तो यहाँ मैं कद्दू को कर रही हूँ कद्दूकस, और इसके बाद इसमें कुछ मसाले जाएंगे और बेसन जाएगा, क्योंकि इसके छोटे छोटे बॉल्स यानी पकौड़े बनेंगे। तो यहाँ कद्दूकस कर लिया है कद्दू को, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच, ये सर्विंग स्पून है, इसे भरकर मैंने डाला है बेसन, साथ में अजवाइन। जब हम लोग कोफ्ते बनाते हैं या खास तौर से बेसन का यूज़ करते हैं तो अजवाइन ज़रूर डालते हैं। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और कोई स्पेशल मसाला है आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक स्पेशल मसाला है, इसका जो टेस्ट आता है सब्जी में या पकौड़े में या कोफ्ते में बहुत ही अच्छा आता है। तो ये मेरे पास है, मैं इसे थोड़ा सा डाल देती हूँ। आपके पास जो भी मसाला है, जैसे किचन किंग मसाला या मीट मसाला, आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और इसके बाद बहुत ही हल्का पानी डालेंगे, मतलब थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच, और अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन कम लगेगा तो थोड़ा सा बेसन भी बाद में ऐड कर देंगे। तो यहाँ मुझे बेसन कम लग रहा है, तो एक बार फिर से मैंने इसमें लगभग 1 सर्विंग स्पून बेसन डाल दिया है, और पानी अब नहीं डाला है क्योंकि कद्दू में भी पानी होता है और थोड़ा सा मैंने पानी यूज़ भी किया था। तो यहाँ जो मिक्सचर है ये बिल्कुल तैयार है, और अब इसके छोटे छोटे हमें बॉल बनाने हैं। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे गोल कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा जैसे अंडाकार कर सकते हैं, और अब इसे हमें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैं यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल बढ़िया गर्म होना चाहिए और फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई रखना है। तो फटाफट बॉल बनाते हैं और इसे तेल में डालते हैं। कोफ्ते को आप स्नैक्स के तरह यानी पकौड़े की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ये बढ़िया लगते हैं। बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप कद्दू के कोफ्ते खा रहे हैं यानी पकौड़े खा रहे हैं। तो अगर आप आलू नहीं खाते हैं या आलू खाना पसंद नहीं है या कुछ अलग खाना चाह रहे हैं तो इसके पकौड़े बनाएं, इसी तरह यानी कोफ्ते बनाएं और इसे इंजॉय करें। वैसे भी मानसून सीज़न है तो गर्मा गर्म बनाएं और इंजॉय करें। तो यहाँ जो कोफ्ते हैं ये फ्राई हो गए, इन्हें निकाल लेते हैं, और अब इसके लिए हमें ग्रेवी तैयार करनी है। तो आज मैं टमाटर यूज़ नहीं करूँगी, बहुत ही महंगे टमाटर हैं, तो जब तक बच सकते हैं तब तक टमाटर से बचेंगे। तो यहाँ मैंने प्याज, अदरक और लहसुन डाल दिया है और इसे पीस लिया है। और यहाँ जो कोफ्ते हैं, यहाँ मैं 2-3 पहले भी खा चुकी हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया ये कोफ्ते बने हैं। तो जिससे आप भी फटाफट जाएं, और अगर आपके घर में कद्दू है तो इसे फटाफट बनाएं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है तो जीरा डाल देते हैं, 1 तेज़पत्ता डालेंगे और 1 से 2 सूखी लाल मिर्च डाल देते हैं। इसी के साथ गैस की फ्लेम को स्लो करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च, जिससे ये जो मसाले हैं ये जलेंगे नहीं। अब इसमें जो पिसा हुआ मसाला है इसे डाल देते हैं। मिक्सी में जो लगा हुआ पेस्ट है उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, उसे भी निकाल लिया है। ये काम मेरे ख्याल से सभी करते होंगे, तो मैंने भी फटाफट कर लिया है। अब इसे मिक्स करते हैं और फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इसे ढककर पकाएंगे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए, या तब तक जब तक जो प्याज है मतलब मसाला है वो अच्छे से भुन ना जाए। तो आज मैं टमाटर की जगह दही यूज़ करने वाली हूँ, 1/2 कप मैंने लिया है। और यहाँ जो मसाला है मैंने बीच में एक बार चलाया था, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है। अभी वैसा कोई मसाला नहीं डाला है, तो अब डालती हूँ। इसमें डाला है धनिया, किचन किंग मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला, और कसूरी मेथी डाल देते हैं। इसी के साथ इसमें फेटी हुई दही डाल रहे हैं। दही को हमेशा फेट कर ही डालिए, जिससे आपके जो ग्रेवी है उसमें लम्ब्स नहीं आएंगे, यानी जो दही फटी फटी दिखती है वो नहीं दिखेगी, और इसे आपको लगातार चलाना है। इसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ। अब आप मत कहिएगा कि आपकी ग्रेवी मीठी होगी, बिल्कुल भी मीठी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही कम मैंने चीनी डाली है और वो एक बैलेंस बनाएगी।
तो इस कोफ्ते के साथ मैं आज चावल बनाने वाली हूँ, मटर पुलाव। तो यहाँ मैंने देसी घी में थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, फ्रोज़न मटर डाला है, और ये चावल घर वाला ही है जो डेली हम लोग यूज़ करते हैं, बासमती मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इसे डाल दिया है। मैं हमेशा चावल जब बनाती हूँ लगभग 15 से 20 मिनट भिगो के रख देती हूँ। पानी डाल दिया है और आधा ढक दिया है, फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। और इस मसाले में मैंने डाल दिया है नमक, और चावल में भी नमक डालना भूल गई थी तो उसमें भी नमक डाल दिया है। ढक देते हैं और फ्लेम को स्लो कर देते हैं। तो यहाँ जो मसाला है बहुत ही अच्छे से भुन गया है, अब इसे नहीं भुनूंगी, इसमें डालूंगी मैं क्रीम। तो यहाँ मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है, ये एक बैलेंस करेगा क्योंकि मैंने दही का यूज़ किया है, तो दही का एक अपना टेस्ट होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने थोड़ी सी क्रीम डाली है। आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो ग्रेवी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि कोफ्ता बना रहे हैं और कोफ्ता पानी बहुत पीता है। तो चावल बन चुका है, मैंने ढक दिया है और यहाँ ग्रेवी को मैंने भी ढक दिया है। तो चावल पूरी तरह बन चुका है, तो फ्लेम को बंद कर देंगे, और ग्रेवी भी लगभग 5 से 6 मिनट पक चुकी है, तो अब इसमें हम कोफ्ता डाल देते हैं। 2-3 कोफ्ते मैं पहले खा चुकी हूँ और 3-4 कोफ्ते मैं बचा के रखी हूँ जो मैं बाद में खाऊंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली है, पर ये थिक हो जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसे ढक देते हैं और लो मीडियम फ्लेम पे लगभग मैंने 5 से 6 मिनट पकाया है। ये देखिए कलर कितना अच्छा दिख रहा है, तो इसे ढक देंगे और फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए यहाँ जो कद्दू के कोफ्ते हैं ये बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको इसकी ग्रेवी दिखाती हूँ कितनी बढ़िया बनी है बिना टमाटर के, और बहुत ही बढ़िया कलर और थिक हो चुकी है। तो इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं मटर पुलाव के साथ, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, मुझे तो भूख लग गई है और ये प्लेट मेरे लिए ही तैयार हो रही है। तो मैं बिल्कुल गर्म खाना खाना पसंद करती हूँ, और आपको ये डिश कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस सिटी से देख रहे हैं और आप कौन हैं अपने बारे में ज़रूर बताएं, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, आपके मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एक बार फिर से मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, और ये एक बाइट जाने वाली है मेरे मुँह में, तो आप भी ज़रूर बनाएं और इसे इंजॉय करें।